हेलो एवरीवन वेलकम सेशन सेवनटीन डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह मैंने रूट्स प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो भी होंगे उनको मैंने ऑरेंज हाईलाइटर से हाईलाइट किया है और इंग्लिश वर्ड्स मैंने ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट किया है चलिए स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स नोइंग हमारे पास लैटिन वर्व है शियो जिसका मतलब होता है टू नो इसी वर्व का ing फॉर्म है जि, जिस तरह से इंग्लिश में एक वर्व के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एक तो टू प्लस वी वन होता है और ing फॉर्म भी होता है किसी वर्व का टू प्लस वी वन बोले तो इन्फिनेटिव ठीक है उसी तरह से लैटिन लैंग्वेज में भी वर्व के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं तो एक फॉर्म हो गया जैसे इन्फिनेटिव होता है इंग्लिश में वैसा टू प्लस वी वन शियो दूसरा हो गया ing फॉर्म जैसा लैटिन का साइंस ठीक है एक ही वर्ब के दो अलग अलग फॉर्म हैं तो हमारे पास लैटिन वर्ब है शिओ जिसका मतलब होता है टू नो लैटिन साइंस जिसका मतलब होता है नोइंग तो वर्ड्स इससे बने हुए हैं अनकॉन्शियोनेबल और कंसाइंस ठीक है स्टार्ट करते हैं साइकोपैथ्स कमिट एंटी सोशल एंड अनक अनकॉन्शियोनेबल एक्ट्स साइकोपैथ जो एंटी सोशल पर्सन होते थे जो सोशियोपैथ पर्सन होते थे हमने इसको पहले देखा था दे कमिट एंटी सोशल एंड अनकश्यूनेबल एक्ट्स अनकॉन्श्यूनेबल को डिकोड करते हैं इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है यू एन अन अभी तक हमने जितने भी प्रीफिक्स देखे वो या तो लैटिन से या तो ग्रीक से आए हुए थे यू एन एक ऐसा प्रीफिक्स है जो इंग्लिश का खुद का है ठीक है प्लस कॉन जिसका मतलब कि विथ या टुगेदर पहले मैं कंसाइंस को बता दूं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा कंसाइंस का मतलब होता है अ मोरल सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग कौन का मतलब हो गया विथ या टुगेदर प्लस एस सी आई जो बेस है इसी रूट का बेस है मैंने आपको बार बार बताया है रूट वो होता है जो ओरिजिनल लैटिन या ग्रीक वर्ड होता है बेस उसे कहते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम वर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं प्लस ई एन सी ई ई एन सी ई और ए एन सी ई ये एक पेयर है नाउन फॉर्मिंग सफिक्स का ओके जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ या फिर द प्रोसेस ऑफ द एक्शन ऑफ या फिर द स्टेट ऑफ तो कंसाइंस हो गया कौन का मतलब विथ या टूगेदर एस सी आई सी का मतलब हो गया नॉलेज तो कंसाइंस हो गया हैविंग द नॉलेज हैविंग द मॉरल सेंस ऑफ वट इज राइट और रॉन्ग ओके इसी से इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा कॉन्श्योनेबल कॉन्श्योनेबल मतलब गाइडेड बाई कंसाइंस और इसमें मैंने नेगेटिव प्रीफिक्स जो इंग्लिश का खुद का नेगेटिव प्रीफिक्स है यू एन लगा दिया मेरे पास बन गया अनकॉन्श्योनेबल मीन्स नॉट गाइडेड बाई कंसाइंस ओके अनकॉन्श्योनेबल एंड कंसाइंस आर रिलेटेड इन डेरिवेशन द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लैटिन शियो जिसका मतलब है टू नो द सेकेंड फ्रॉम लैटिन साइंस जिसका मतलब होता है नोइंग एंड बोथ यूजिंग द प्रिफिक्स कॉन जिसका मतलब है विथ या टुगेदर इटीमोलॉजिकली देन योर कंसाइंस इज योर नॉलेज विथ अ मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इफ यू आर अनकॉन्शनेबल योर कंसाइंस इज नॉट वर्किंग ये इंग्लिश का खुद का प्रिफिक्स है और यू हैव नो कंसाइंस आगे बढ़ते हैं अनकॉन्शनेबल एक एडजेक्टिव है ए बी एल ई और आई बी एल ई ये एक पेयर है ये एक पेयर है एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स का जिसका मतलब होता है केपेबल ऑफ या फिर वर्दी ऑफ एडजेक्टिव से अगर नाउन बनाना है तो हमने रूल देखा था कि एन ई डबल एस नाउन प्रिफिक्स हम लगा देते हैं तो एक नाउन फॉर्म हो गया हमारा एक नाउन हो गया हमारा अनकॉन्शोनेबलनेस और उसका एक ऑल्टरनेट नाउन फॉर्म भी है अनकॉन्शोनेबिलिटी ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉन्शियस सेम रूट से कॉन्शियस बना कौन का मतलब हो गया विथ या टुगेदर एस सी आई मतलब नॉलेज ओ यू एस एडजेक्टिव सफिक्स तो कॉन्शियस ऑल्सो फ्रॉम कॉन प्लस शियो इज नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ वन इमोशंस और सेंसेशंस और ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड वन ठीक है आगे बढ़ते हैं साइंस साइंस भी एक वर्ड है जो इसी रूट पर है एस सी आई हो गया हमारा बेस प्लस ई एन सी ई मैंने बताया ई एन सी ई ए एन सी ई ये एक पेयर है नाउन फॉर्मिंग सफिक्स का जिसका मतलब होता है एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ या फिर द स्टेट ऑफ ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं एड लैटिन ओमनीस एक नया हमने बेस पढ़ा एक नया हमने रूट पढ़ा ओमनीस जिसका मतलब होता है ऑल इसको हमने कम्बाइन किया साइंस के साथ हमारे पास बन गया ओमनी शी एंट मैं एक चीज़ और बता दूँ ई एन टी और ए एन टी ये सफिक्स का एक पेयर है जो कि नाउन फॉर्मिंग भी हो सकता है और एडजेक्टिव फॉर्मिंग भी हो सकता है मतलब कि ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों वर्ड्स के लिए यूज़ होता है मैं ये नहीं कह रहा कि वो पर्टिकुलर वर्ड एज ए नाउन एज ए एडजेक्टिव दोनों यूज़ होगा मैंने ये कभी नहीं कहा मैंने ये कहा कि हम इसको नाउन बनाने के लिए भी काम में लाते हैं और एडजेक्टिव बनाने के लिए भी काम में लाते हैं ये दोनों सफिक्स को ठीक है तो उमनी का मतलब हो गया ऑल एस सी आई हो गया हमारा बेस प्लस ई एन टी यहाँ पर ये वर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑल नोइंग पॉजिट ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज ओके द नाउन इज ओमनीशियंस ओमनीशियंस ओमनी प्लस एस सी आई प्लस ई एन सी ई ठीक है आगे बढ़ते हैं एट द प्रिफिक्स पी आर ई प्री जिसका मतलब होता है बिफोर टू साइंस टू कंस्ट्रक्ट प्रीशेंट ओके पी आर ई प्लस एस सी आई प्लस ई एन टी हमने सफिक्स लगा दिया ये वर्ड भी यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे अकर प्री मतलब बिफोर तो पहले से हम पहले से हमें पता है डेट इज़ साइकिक एक तरह से सिक्सथ सेंस है पहले से कोई चीज़ कैसे पता हो, हो सकती है या तो उसके पास सिक्स सेंस होगा ठीक है और पॉजिट ऑफ अनयूजल पावर्स ऑफ प्रिडिक्शन कोई पावर होगी प्रडिक्शन की अलग से पावर होगी अनयू क्योंकि ये अनयूजल है जाहिर सी बात है यूजअल तो है नहीं द नाउन इज़

प्लस एस सी आई प्लस सफिक्स लगा दिया ई एन टी तो ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट नोइंग और इग्नोरेंट ए एन टी सफिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये एडजेक्टिव फॉर्मिंग भी होता है ए एन टी और ई एन टी ये दोनों हम साथ में ही पढ़ रहे हैं तो ये नाउन फॉर्मिंग भी होता है और एडजेक्टिव फॉर्मिंग भी होता है ओके okay, इस बात का आपको ध्यान रखना है कैन यू बाई बाई एनालॉगी एनालॉगी का मतलब होता है एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी विद द प्रीवियस टू वर्ड्स राइट द नाउन फॉर्म ऑफ नीशेंट जिस तरह से ओमनीशेंट का हमने बना दिया ओमनीशियंस प्रीशियंट का बना दिया हमने ये प्रीशियंस उसी तरह से नीशियंट का बनेगा नीशियंस ई एन सी ई लगा देंगे करेक्ट आगे बढ़ते हैं फूल सम ऑफ द पीपल ग्लिब हमने एक वर्ड पढ़ा था ग्लिब एडजेक्टिव देखा था जिसका मतलब होता था स्मूथ इज फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश रूट जिसका मतलब होता है स्लिपरी ठीक है कौन सा रूट है ये ये इन्होंने नहीं बताया बस ये कहा है कि इंग्लिश रूट से आया है इसका नाउन हो गया ग्लिबनेस मतलब स्मूथनेस आगे बढ़ते हैं हर्ड्स एंड फ्लॉक्स इग्रेजस हमने एक एडजेक्टिव देखा था जिसका मतलब होता था आउटस्टैंडिंगली बैड मतलब मतलब बुराइयों में भी बुरा ठीक है हमारे पास एक लैटिन रूट है ये ग्रेक्स ग्रेजिस जिसका मतलब होता है हर्ड और फ्लॉक इसमें हमने प्रीफिक्स ई एक्स लगा दिया जिसका मतलब होता है आउट ई इज़ अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द प्रिफिक्स ई एक्स जिसका मतलब होता है आउट प्लस ओ यूएस हमने सफिक्स लगाया तो ये बताता है कि ये एक एडजेक्टिव है तो इग्रेजस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड ठीक है इसको मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ ग्रेक्स का मतलब होता है हर्ड फिर फ्लॉक मतलब भेड़ों का झुंड मान लीजिए वाइट भेड़ों का एक झुंड है और इस भेड़ों के झुंड में एक भेड़ ऐसी है जो कि ब्लैक कलर की है तो ये अलग से दिखेगी या नहीं दिखेगी ये अलग से दिखेगी ना और दूसरी बात ये जो भेड़ है ये भी भेड़ ही है ये कोई दूसरा जानवर नहीं है ओके तो इग्रेजियस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड मतलब ये भी बुराई ही है लेकिन वो इतना बुरा है कि वो अलग से ही उसकी एक कैटेगरी हो गई ठीक है जिस तरह से भेड़ों के झुंड में काली भेड़ अलग से नजर आती है और वो भेड़ ही है वो कोई दूसरा एनिमल नहीं है इसी तरह से इग्रेजियस एक्ट बुरा होता है इतना बुरा कि एक कि वो अलग से ही उसकी एक कैटेगरी है ओके okay? एन इग्रेजियस लाई एक्ट क्राइम मिस्टेक एट्सेट्रा इज सो एक्सेप्शनली विशियस विशियस मतलब फुल ऑफ वाइस या फुल ऑफ ईविल दैट इट कंस्पिक्युअसली स्टैंड्स आउट ठीक है कंसपिकुअस्ली मैंने आप लोगों को बताया है कौन का मतलब हो गया विथ या टुगेदर एस पी आई सी लैटिन से आया है एस पी आई सी एस पी ई सी एस पी ई सी टी ये एक ही बेस के अलग अलग स्पेलिंग्स हैं जिसका मतलब होता है लुक मैंने आप लोगों को बताया था स्पेक्टेकल्स हो गया चश्मा जिसे हम कहते हैं स्पेक्टेकुलर हो गया जो देखने में अच्छा लगता है ठीक है तो स्पिक में जो बेस है वो ये सॉरी कॉन्सपिकुसली में जो बेस है वो है लैटिन का स्पिक प्लस यू हो गया हमारा कनेक्टिंग वॉबल ओ यू एस हो गया एडजेक्टिव सफिक्स प्लस एल वाई हमने लगाया जब भी हम किसी यूजुअली ऐसा करते हैं कि एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए हम एल वाई लगा देते हैं तो एल वाई इज एन एडवर्व सफिक्स तो कौन का मतलब विथ या टूगेदर एसपीक का मतलब हो गया लुक यू हो गया कनेक्टिंग वॉबल ओ यू एस हो गया हमारा एड्जेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स इससे हमें एडवर्व बनाना था हमने एल वाई लगा दिया एल वाई इज अडवर्व सफिक्स करेक्ट तो कॉन्स्पिकुअस्ली का मतलब हो गया ऑब्वियसली ठीक है दैट इट ऑब्वियसली स्टैंड आउट फ्राम द हर्ड और फ्लॉक ऑफ अदर बैड थिंग्स ये ये भी बैड ही होता है जिस तरह से काली भीड़ भीड़ ही होती है कोई दूसरा एनिमल नहीं है उसी तरह से इग्रेज़स एक्ट भी बुरा ही होता है मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बताया था हिट एंड रन का केस हो गया या फिर आ, जैसे मान लीजिए क्रिकेट में सलेजिंग होती है वो चीज़ अच्छी नहीं है बुरी है लेकिन मैच फिक्सिंग करना बॉल टेम्परिंग करना ये तो बुराइयों में भी बुरा है ठीक है आगे बढ़ते हैं द नाउन इज इग्रेजियसनेस हमारे पास जो एडजेक्टिव uh, था उसमें हमने नेस लगा दिया ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव से अगर हमें नाउन बनाना होता है तो हम उसमें एन ई एस लगा देते हैं ओके okay. आगे बढ़ते हैं अ पर्सन हु इन्जॉयज़ कम्पेनियनशिप हु इटीमोलॉजिकली लाइक्स टू बी विद द हर्ड जो कि कम्पेनियनशिप इन्जॉय करता है जो लोगों के साथ रहना पसंद करता है हु रीचेस आउट फॉर फ्रेंड्स एंड इज़ हैप्पीएस्ट उसके लिए जो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो है ग्रिगैरियस ठीक है इसमें जो बेस है वो है जी आर ई जी ग्रेग ओके बेस वो होता है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं प्लस सफिक्स लगा हुआ है ए आर वाई प्लस ओ यू एस लेकिन आप कहोगे यहाँ पर वाई तो नहीं है यहां पर आई है जब हम ए आर वाई के बाद ओ यू एस लगाते हैं तो वाई हमारा चेंज होकर के आई में कन्वर्ट हो जाता है ओके तो ग्रिगैरियस ठीक है ए आर वाई सफिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये नाउन फॉर्मिंग और एडजेक्टिव फॉर्मिंग दोनों होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स आर ऑफकोर्स ग्रिगैरियस देखिए इस तरह से डिकोड करने में आपको स्पेलिंग भी ईजी होगा वर्ड्स को स्पेल आउट करने में भी ईजी होगा आपको पता है कि जी या री जी हो गया बेस बेस क्या होता है बेस वो होता है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं रूट होता है ओरिजिनल लैटिन या ग्रीक वर्ड ओके एक्स्ट्रा वर्ड्स आर ऑफ कोर्स ग्रिगेरियस दे प्रिफर ह्यूमन कॉन्टैक्ट कन्वर कन्वर्सेशन लाफ्टर इंटर रैशनरशिप्स टू सॉलीटूड सॉलीटूड हो गया अकेलापन वो अकेलापन नहीं प्रिफर करते हैं दे, प्रि, दे प्रिफर ह्यूमन कॉन्टैक्ट आगे बढ़ते हैं द फिक्स नेस एज यू नो कैन बी एडेड टू एन एडजेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट अ नाउन अम ठीक है हमने पहले भी देखा है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ ग्री तो इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा नेस लगा देंगे हम तो ग्री गैरियस नेरियस प्लस ए आर वाई प्लस ओ यू एस तो हम आई लिख देंगे वाई चेंज होकर के आई में बन गया आई ओ यू एस इतना तक तो हमारे पास था ही एन ई डब्लू एस हमने और लगा दिया ग्रीगैरियसनेस कितना आसान हो गया एक एक बड़ा वर्ड भी क्योंकि हमें छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको डीकोड कर दिया तो कितना आसान हो गया ये बुक इसीलिए इतनी अच्छी है चलिए आ, आगे बढ़ते हैं एट द प्रिफिक्स कॉन कॉन का मतलब है या टुगेदर हम देख चुके हैं टू ग्रेक्स ग्रेजीज टू गेट द दर्व कॉन्ग्रीगेट कॉन विथ या टुगेदर प्लस ग्रेग प्लस ए टी एटी सफिक्स के बारे में मैं बता चुका हूं कि ये वर्व फॉर्मिंग नाउन फॉर्मिंग एडजेक्टिव फॉर्मिंग, तीनों होता है यहाँ पर इस केस में ये वर्ड हमारा वर्ब है ओके वर्ब कॉन्ग्रीगेट एक वर्ड हो गया ठीक है इस, इसका मतलब हो गया टू कलेक्ट एक वर्ब को वर्ब की तरह डिफाइन करेंगे आगे बढ़ते हैं एक प्रीफिक्स है एस ई सी जिसका मतलब होता है अपार्ट इसको हमने कंबाइन किया इसके साथ रूट के साथ तो हमारे पास बन गया वर्ब सेग्रीगेट जिसका मतलब होता है अलग करना सेपरेट करना एस से ई अपार्ट हो गया जी आर ई जी हो गया हमारा बेस प्लस ए टी ई हो गया हमारा सफेक्स ठीक है एट द प्रिफिक्स एड जिसका मतलब है टू या फिर टोवर्ड एड चेंजेस टू ए जी ए डी चेंजेस टू ए जी बिफोर अ रूट स्टार्टिंग विथ जी टू कंस्ट्रक्ट वर्फ एग्रीगेट ए डी लगाया हमने ए डी लगाया प्लस जी आर ई जी प्लस ए टी ई अब आप कहोगे यहाँ पर ए डी तो नहीं है यहाँ पर ए जी है मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को एसिमिलेशन ऑफ़ प्रिफिक्स में बताया है कि जब हम कि कई बार प्रिफिक्स को रूट के साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो लैंग्वेज की प्रोनंसिएशन को ईजी बनाने के लिए प्रिफिक्स की स्पेलिंग में हम चेंज कर देते हैं जिससे कि लैंग्वेज सुनने में और बोलने में आसान लगे ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को एसिमिलेशन ऑफ़ प्रिफिक्स में बता चुका हूँ ओके आगे बढ़ते हैं एग्रीगेट का मतलब होता है जब चीज़ों को एज अ होल कंसिडर किया जाता है तब तो हम इसको तब तो हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं आगे बढ़ते हैं लेट्स सी वट वी हैव वेन पीपल गैदर टुगेदर इन अ हर्ड और फ्लॉक दे ठीक है दे कॉन्ग्रीगेट और टुगेदर के लिए क्या था हमारे पास कौन था ना तो हो गया हमारा कॉन् कॉन्ग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना ठीक है वेन पीपल गैदर टुगेदर दे कांग्रीगेट द नाउन इज कॉन्ग्रीगेशन ठीक है कॉन्ग्रीगेशन हो गया किसी भी तरह की गैदरिंग को किसी भी तरह के कलेक्शन को हम कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे वन ऑफ द मीनिंग्स ठीक है एक मीनिंग है इसका रिलीजियस फ्लॉग जब भी लोग रिलीजियस पर्पज़ के लिए इकट्ठा होते हैं किसी तरह का कोई किसी तरह का कोई फेस्टिवल है ठीक है तो लोग इकट्ठा होते हैं पूजा है कोई उसमें भी लोग इकट्ठा होते हैं हम उसको भी कहेंगे कॉन्ग्रीगेशन या फिर ये तो एक कंटेक्स्ट हो गया एक वर्ड को एक से ज़्यादा कंटेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के कलेक्शन को गैदरिंग को हम कॉन्ग्रीगेशन भी कहते हैं पुट पीपल और थिंग्स अपार्ट अपार्ट के लिए था हम हमारे पास एस ई फ्रॉम द हर्ड मतलब अलग करना एंड यू राइट द वर्ब सेग्रीगेट एस ई प्लस जी आर ई जी प्लस ए टी ई ए टी ई सफिक्स में बता चुका हूँ कैन यू कंस्ट्रक्ट द नाउन बाई एडिंग द सूटेबल नाउन सफिक्स ठीक है नाउन सफिक्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं आई ओ एन देखिए सेग्रीगेट कोई एडजेक्टिव नहीं है कि हम एन ई डब्लस लगा देंगे ठीक है एडजेक्टिव से नाउन में लगाना होता है, तब हम यूज़ एडजेक्टिव से नाउन बनाना होता है तब हम एन ई डब्लस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हमें ये वर्ब से नाउन बनाना है तो हम यूज करेंगे ओ एन एक से नाउन सफिक्स है हम बहुत बार देख चुके हैं तो ये हो जाएगा सेग्रीगेशन ठीक है ए सी -E ई इज पार्ट जी आर -E ई जी हो गया प्लस ए टी आई ओ एन खुद दो सफिक्स का कॉम्बिनेशन है सफिक्स पर सफिक्स लगाया है एट प्लस आई ओ एन हमने ई इसीलिए हटा दिया क्योंकि आई आ रहा था तो ई की जरूरत नहीं थी आगे बढ़ते हैं ब्रिंग इंडिविजुअल्स आइटम टू और टू और टू वर्ड इसके लिए वर्ड इसके लिए हमारे पास जो प्रिफिक्स है वो है ए डी सॉरी ब्रिंग इंडिविजुअल आइटम्स टू वर्ड टू वर्ड द हर्ड ऑफ लॉक एंड यू राइट द वर्ड यू एग्रीगेट यहां पर हमने प्रीफिक्स की स्पेलिंग को चेंज कर दिया है कि क्योंकि लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन को इजी बनाने के लिए एसिमिलेशन में मैं बता चुका हूँ वट इज द नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ब इज एग्रीगेशन वट इज द नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ब द नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ब इज एग्रीगेशन ठीक है एग्रीगेट का एक मतलब और होता है टू टोटल और अमाउंट टू ठीक है टोटल करना सम करना आगे बढ़ते हैं चैप्टर खत्म हो गया हमारा रिव्यू ऑफ इटीमोलॉजी प्रिफिक्स रूट सफिक्स ग्रेक्स ग्रेजिस लैटिन जिसका मतलब होता था हर्ड और फ्लॉक हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे ग्रीगेरियस हम देख चुके थे और बी सग्रीगेट वगैरह देखा एग्रीगेट ठीक है ई हो गया एक्स हो गया आउट ठीक है इग्रेजियस हमने देखा इग्रेजियसनेस हो गया उसका नाउन फॉर एन ई डब्लू एस इज ए नाउन सफिक्स कौन का मतलब हो गया विथ या फिर टूगेदर ट देखा था हमने ए डी और ए जी आप लोगों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है ए डी है हमारा जिसका मतलब होता है टू और जस्ट करने के बाद होता है यू एन नेगेटिव प्रिफिक्स है जो इंग्लिश का खुद का है ये लैटिन या फिर ग्रीक से नहीं आया इंग्लिश एक जर्मन लैंग्वेज है और खुद का सफिक्स है सॉरी खुद का प्रिफिक्स है लैटिन शिओ sure. और लैटिन साइंस का मतलब हो गया टू नो और नोइंग ये एक ही वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स है जिस तरह से इंग्लिश में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं इन्फिनेटिव होता है पार्टिसिपल होता है उसी तरह से लैटिन में भी होता है ओमनीस का मतलब हो गया ऑल ओमनीशेंट देखा था हमने प्री मतलब बिफोर प्रीशेंट देखा था हमने एन ई इज़ अ नेगेटिव प्रिफिक्स एस ई इज़ अ पार्ट आई ओ एन इज़ नाउन सफिक्स एडेड टू वर्ब्स ओके वर्ब से नाउन बनाने के लिए हम यूज करते हैं आई ओ एन आगे बढ़ते हैं कैन यू प्रोनाउंस दर्ड्स अनकॉन्शोनेबिलिटी आई टी वाई इज ए नाउन सफिक्स ये नाउन है जिसका इस वर्ड का मतलब हो गया अनकशोनेबल डीलिंग ठीक है ओमनीशेंट ओमनीशेंट ओमनी मतलब ऑल एस सी आई हो गया हमारा बेस प्लस ई एन टी सफिक्स हो गया हमारा मैंने आप लोगों को बताया है ई एन टी और ए एन टी ये दोनों सफिक्स का एक पेयर है जो नाउन फॉर्मिंग भी हो सकता है और एडजेक्टिव फॉर्मिंग भी हो सकता है ठीक तो है तो ओमनीशेंट यहाँ पर ये वर्ड एडजेक्टिव है तो ओमनी का मतलब हो गया ऑल साई si का मतलब हो गया नॉलेज तो ओमनीशेंट om, तो हो गया नोइंग एवरीथिंग ठीक है जैसे गॉड इज ओमनीशेंट अच्छा मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को इतना तो पता होगा कि कई बार हम एडजेक्टिव को भी एज अ नाउन ही यूज़ करते हैं ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम एडजेक्टिव को हम वैसे तो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन कई बार एडजेक्टिव ही है हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि गॉड इज़ ओमनीशेंट ये हमने ये मैंने एडजेक्टिव को ही एज अ नाउन यूज़ कर लिया था ठीक है ओमनीशेंस हो गया हमारा नाउन ठीक है एक नाउन की डेफिनेशन क्या होती है द क्वालिटी ऑफ द कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ तो नाउन को नाउन की तरह डिफाइन करेंगे ओमनिशंस हो गया हमारे पास द स्टेट ऑफ नोइंग एवरीथिंग ठीक है और एडजेक्टिव की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया है परटेनिंग टू रिलेटिंग टू हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ ठीक है प्रीशंट और प्रीशंस प्री मतलब हो गया बिफोर एस सी आई हो गया हमारे पास नॉलेज ई एन टी हमारे पास हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो ये वर्ड हो गया हमारे पास एडजेक्टिव तो प्रीशंट मतलब कि पहले से पता हो प्रडक्टिव प्रीशंस प्री मतलब बिफोर एस सी आई हो गया नॉलेज प्लस ई एन सी ई मैंने आप लोगों को बताया है ई एन सी ई और एन सी ई ये दोनों ये एक पेयर है नाउन फॉर्मिंग सफिक्स का ठीक है तो प्रिशंस हो गया हमारे पास द स्टेट ऑफ नोइंग एवरीथिंग बिफोर एवरीथिंग इन एडवांस ठीक है नीशेंट और नीशियंस नीशेंट हो गया हमारे पास एडजेक्टिव नीशियंस हो गया हमारे पास नाउन करेक्ट एन ई इज नेगेटिव एस सी आई हो गया हमारे पास नॉलेज प्लस ई एन टी हमारे पास हो गया सफिक्स शंस में ई -E हमारे पास हो गया प्रिफिक्स प्लस एस सी आई हो गया हमारे पास बेस प्लस ई एन सी ई हो गया हमारे पास नाउन सफिक्स ठीक है ग्लिबनेस एन ई डबल एस इज नाउन सफिक्स ये हो गया नाउन तो ग्लिबनेस मतलब स्मूथनेस uh, आगे बढ़ते हैं इग्रेजियसनेस ठीक है इग्रेजियसनेस इज द स्टेट ऑफ बींग आउटस्टैंडिंगली बैड हमें पता है इगरेजस क्या होता है इग, इग्रेजस होता है आउटस्टैंडिंगली बैंड बैड भीड़ों के झुंड में वो काली भेड़ जो अलग से दिखती है तो बुराइयों के भी झुंड में वो बुराई जो अलग से दिखती है उसको हम कहेंगे इग्रेजसनेट्स इगरेजसनेस करेक्ट ग्रिगेरियस हो गया उस पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो जो एक्स्ट्रा होता है बहुत ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता है इसका नाउन फॉर्म हो गया ग्रीगेरियसनेस उस क्वालिटी को हम कह सकते हैं उस उस स्टेट को हम कह सकते हैं कॉन्ग्रीगेट कौन का मतलब हो गया विथ या टुगेदर जी आर ई जी प्लस ए टी ई कॉन्ग्रीगेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एट सफिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये नाउन फॉर्मिंग वर्ब फॉर्मिंग और एडजेक्टिव फॉर्मिंग तीनों हो तीनों हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि वो वर्ड नाउन वर्ब एडजेक्टिव तीनों ही तीनों की तरह ही यूज़ होगा मैंने ये कभी नहीं कहा मैंने ये कहा कि हम इसका यूज़ करके नाउन भी बनाते हैं वर्ब भी बनाते हैं एडजेक्टिव भी बनाते हैं ठीक है कॉन्ग्रीगेट हो गया टू कलेक्ट ये वर्फ है हमारे पास यहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन हमने वर्ब से नाउन बनाने के लिए आई ओ एन लगाया तो कॉन्ग्रीगेशन हो गया किसी भी तरह की गैदरिंग किसी भी तरह का कलेक्शन इस कॉन्ग्रीगेशन इसी तरह से सेग्रीगेट और सेग्रीगेशन सेग्रीगेट हो गया वर्फ सेग्रीगेशन हो गया नाउन सेग्रीगेट हो गया अलग करना ठीक है और सेग्रीगेशन उस प्रोसेस को कहेंगे उस एक्शन को कहेंगे द एक्शन और स्टेट ऑफ सेटिंग अपार्ट ठीक है एग्रीगेट वर्फ एग्रीगेट नाउन ये वर्ड ऐसा है कि वर्फ और नाउन दोनों के लिए ही यूज होता है और इसका एक नाउन फॉर्म हो गया एग्रीगेशन ठीक है आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस पर आते हैं कैन यू वर्क विद द वर्ड्स इग्नोरेंस इग्नोरेंस ए एन सी ई लगा हुआ है यह है नाउन सफिक्स तो एक नाउन के लिए नाउन आएगा तो यहां पर आएगा नीशंस ठीक है फोर्थ नंबर नीशेंट क्यों नहीं आएगा क्योंकि वो तो एडजेक्टिव हो गया ना ठीक है आगे बढ़ते हैं आउटस्टैंडिंगली सॉरी आउटस्टैंडिंग बैडनेस आउटस्टैंडिंग बैडनेस इज नाउन बैडनेस देखिए लगा हुआ है तो नाउन हो गया और विशियसनेस ठीक है तो होगा हमारे पास इग्रेजियसनेस इग्रेज़स क्यों नहीं आएगा क्योंकि वो तो एडजेक्टिव हो गया ना अगर यहाँ लिखा होता आउटस्टैंडिंगली बैड तब आता है आगे बढ़ते हैं रिलीजियस ग्रुप अ मैसिंग टुगेदर ओके इस कॉन्ग्रीगेशन किसी भी तरह की गैदरिंग किसी भी तरह का कलेक्शन ठीक है या फिर रिलीजियस ग्रुप भी एक कंटेक्स्ट हो गया जब लोग रिलीजियस पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं तब हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको वो होता है कांग्रीगेशन आगे बढ़ते हैं टोटल मास होल इज एग्रीगेट ठीक है एक्सक्लूजन फ्रॉम द हर्ड अ सेटिंग अपार्ट सेटिंग अपार्ट के लिए जो हमने प्रिफिक्स देखा था वो था एस ई ठीक है तो हमारे पास सेग्रीगेशन ठीक है इनफाइनाइट नॉलेज इज नॉलेज के लिए था एस सी आई इनफाइनाइट इज ओमनी ओमनी मतलब ऑल ठीक है तो इसके लिए हो जाएगा ओमनीशंस Infinite knowledge नॉलेज अ नाउन ठीक है फ्रेंडलीनेस फ्रेंडलीनेस नाउन हो गया तो अगेन यहाँ पर नाउन आएगा Enjoyment ऑफ मिक्सिंग विथ पीपल उसके लिए gregariousness, ठीक है Gre uh, Gregarious तो हमारे पास एडजेक्टिव था ना gregarious तो एडजेक्टिव हो गया लेकिन हमें नाउन चाहिए फ्रेंडलीनेस लिखा हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि नाउन के बदले नाउन और एडजेक्टिव के बदले एडजेक्टिव ही ठीक है लैक ऑफ कंसाइंस इज अनकॉन्शनेबिलिटी सस्पीशियसली स्मूथ फ्लुएंसी इज ग्लिबनेस फोर नॉलेज इज प्रीशंस फोर ये फोर का मतलब होता है बिफोर पहले से ही साई का मतलब हो गया नॉलेज आगे बढ़ते हैं कैन यू रिकॉल द वर्ड्स इंजॉइंग ग्रुप्स एंड कंपेनियनशिप इज gregarious. ठीक है ग्रेग का मतलब हो गया herd, प्लस ए आर वाई लगा दिया प्लस ओ यू एस लगाया है हमने तो मतलब उसको झुंड में रहना पसंद है इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है इज नीशेंट नीशंस तो हो जाएगा हमारा नाउन तो वो नहीं आएगा ना क्योंकि एडजेक्टिव आएगा आगे बढ़ते हैं स्टेट ऑफ लगा हुआ है तो स्टेट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंडीशन ऑफ सब कुछ ये सब नाउन की डेफिनेशन होती है तो नाउन आएगा स्टेट ऑफ नॉट बींग हेल्ड बैक फ्रॉम एंटी सोशल बिहेवियर बाई वंस कंसाइंस तो अनकॉन्शनेबिलिटी ये तो था हमारा नाउन अनकॉन्श्युनेबल से हमने नाउन बनाया था n-e-d-l-s एस कर. अनकॉन्श्युनेबल एडजेक्टिव से नाउन बनाया था एनईडब एस -E लगा करके तो अनकॉन्श्यूनेबलनेस ठीक है, हैविंग नॉलेज ऑफ एन इवेंट बिफोर इट अकर्स एडजेक्टिव इज प्रशंट करेक्ट अ रिलीजियस फ्लॉक उस झुंड को कहेंगे कांग्रीगेशन उस झुंड को नाम दिया है कांग्रीगेशन नाम देना नाउन होता है अ टोटल होल और मॉस इज इज एग्रीगेट ठीक है वो ये नाउन वाला एग्रीगेट और एग्रीगेशन क्योंकि टोटल होल मास ये सब नाउन है ना, ये सब नाउन के वर्ड्स हैं ये सब वर्ड्स नाउन है तो नाउन के लिए नाउन आएगा टू सेपरेट टू लगा हुआ है तो वर्व आएगा तो हम यहां पर वर्व लिखेंगे टू सेपरेट फ्रॉम रेस्ट इज सेग्रीगेट ओके सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी इज ग्लिबनेस उस फ्लुएंसी की बात हो रही है वो उसको नाम दिया गया है ऑल नोइंग एडजेक्टिव ऑल नोइंग देखिए किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है तो ओमनी शेंट ओमनी शंस नहीं आएगा क्योंकि ओमनी शंस तो एक नाउन हो गया ठीक है यहाँ पर ओमनी शंस यह कब आता जब यहाँ पर लिखा होता द स्टेट ऑफ या फिर द कंडीशन ऑफ नोइंग एवरीथिंग ठीक है द क्वालिटी ऑफ नोइंग एवरीथिंग तब यहाँ पर आता ओमनी शंस टू कम टुगेदर टू लगा हुआ है तो वर्व आएगा टू कम टूगेदर इन टू अ ग्रुप और मास इज टू कॉन्ग्रीगेट ओके चैप्टर रिव्यू डू यू रिकोगनाइज द वर्ड्स ठीक है हाईली स्किल्ड इज कॉन्ज्यूमेड देखिए ये आपको खुद करना है ये सब हम पहले कर चुके हैं ये सब क्वेश्चंस ये मैं नहीं करा रहा ये सब यहां मेरी जरूरत नहीं है उसके बाद है ये ये कैन यू रिकोगनाइज रूट्स जो रूट्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो आप लोगों को रिकोगनाइज करने हैं उसका मीनिंग उसकी मीनिंग यहाँ पर आप लिख देंगे टीजर क्वेश्चन पर आते हैं ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि यहाँ पर हमें खुद से वर्ड्स बनाने का और ख़ुद से वर्ड्स को डिकोड करने का मौका मिलता है तो टीजर क्वेश्चन फॉर द एमेचर इटीमोलॉजिस्ट ओके शी वॉज वन ऑफ मेनी नोटेबल्स हु अटेंडेड द Conversation recognizing that the italicized word is built on the root 'notus'. Latin लैटिन का हमने 'notus' हमने पढ़ा था जिसका मतलब होता था uh, known. ठीक है Can you define the noun notable in the context of known? तो नोटेबल वो पर्सन हो गया जो अच्छे हमने नोटोरियस देखा था जो बुरे कामों के लिए जाना जाता था इसका अपोजिट नोटेबल हो गया वो पर्सन जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता है तो नोटेबल हो गया हमारा वेल well नोन ठीक है दूसरा नोटिफाई एंड नोटिस डिराइव फ्रॉम द सेम रूट जो रूट है वो है लैटिन का नोटिस नोटिफाई मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं हमने आई जेड ई वर्फ सफिक्स देखा है हमने इसी तरह से एक और वर्फ सफिक्स है फाइव ये भी वर्फ सफिक्स है जिसका मतलब होता है टू मेक ठीक है तो नोटिफाई में जो सफिक्स लगा हुआ है वो है एफ वाई जिसका मतलब हो गया टू मेक कैन यू डिफाइन दीज टू वर्ड्स अगेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नोन ठीक है नोटिफाई का मतलब हो गया टू मेक नोन ठीक है नोटिस आप लोगों को पता है देखिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा मैं चाहता हूं कि आप लोग चैप्टर 18 में जाकर के खुद देखें कि इसका आंसर क्या है इसी तरह से यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी गई हैं वट डू यू सपोज द वर्स सफिक्स फाई ऑफ नोटिफाई मीन्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ फाई का मतलब फ़ाई एक वर्ब सफिक्स है हाँ वर्ब सफिक्स है जिसका मतलब होता है टू मेक ठीक है जैसे सिम्प्लीफाई में टू मेक सिंपल ठीक है इसी तरह से क्लैरिफाई और लिक्विफाई आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और आंसर्स चैप्टर 18 में दिए गए हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर जाकर देखें यू आर फेमिलियर विद द रूट्स क्रोनस क्रोनस हमने देखा है हमने पढ़ा है ठीक है क्रोनस का मतलब था टाइम एंड ग्राफिन ग्राफिन था हमारे पास टू राइट सपोज यू केम अक्रॉस द वर्ड क्रोनोग्राफ मान लीजिए कभी आप लोगों को दिख गया क्रोनोग्राफ तो कैन यू मेक एन एजुकेटेड गेस एज टू द मीनिंग ठीक है क्या आप लोग गेस कर सकते हैं क्रोनोग्राफ क्या है ठीक है क्रोनोग्राफ इज़ एन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर्स टाइम ओके दैट मेजर्स शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम आगे बढ़ते हैं रिकोगनाइज रिकोगनाइजिंग द रूट जेनेसिस हमने ग्रीक जेनेसिस देखा था जिसका मतलब था बर्थ बर्थ और ओरिजिन तो यही रूट है हमारे पास वर्व जनरेट में ठीक है हाउ वुड यू डिफाइन द वर्ड तो जनरेट का मतलब क्या होता है टू प्रोड्यूस ठीक है टू गिव बर्थ टू क्रिएट ओके हाउ हाउ अबाउट रीजनरेट री यहाँ पर एक प्रिफिक्स लगा हुआ है री का मतलब होता है अगेन uh, या फिर बैक यहां पर री का मतलब हो गया अगेन तो री जनरेट मतलब टू प्रोड्यूस अगेन वट डू यू सपोज द प्रिफिक्स री मीन्स री का मतलब क्या होता है बैक वैसे री का मतलब बैक और अगेन दोनों होता है या यह, यहां पर अगेन है अगेन भी होता है बैक भी होता है जैसे कि रिवर्स ठीक है रिवर्स में जो री रीप्रीफिक्स है उसका मतलब हो गया बैक रीजेट में जो री प्रिफिक्स है उसका मतलब हो गया अगेन मतलब आगे बढ़ते रिकॉग्नाइजिंग द रूट ओमनीस ओमनीस का मतलब क्या था ऑल रिकॉग्नाइजिंग द रूट ओमनीज इन ओमनी पोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट कैन यू डिफाइन द वर्ड्स ओमनी का मतलब हो गया ऑल प्लस पोटेंट हमारे पास इसका मतलब हो गया पावरफुल तो ओमनी पोटेंट इज ऑल पावरफुल गॉड इज़ ऑल पावरफुल ओके ओमनी प्रेजेंट ओमनी का मतलब हो गया ऑल ठीक है प्रेजेंट का मतलब हो गया प्रेजेंट तो ओमनी प्रेजेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर ठीक है देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद जाकर के आंसर्स को चैप्टर एटीन में देखें आंसर्स दिए हुए हैं इस बुक में ओके रिकॉलिंग हाउ वी नाउन फ्रॉम द एडजेक्टिव ओमनीशेंट ठीक है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ ओमनीशेंट से हमने नाउन कैसे बनाया था ओमनीशेंट से हमने लिखा था ओमनी शेंस ओमनी मतलब ऑल प्लस एस सी आई प्लस ई एन सी ई

arouses सेक्शुअल डिजायर that increases सेक्शुअल डिजायर ओके कैन यू कंस्ट्रक्ट अ वर्ड फॉर that विच रिड्यूज रिड्यूसेस और एलिमिनेट्स सेक्शुअल डिज़ायर इसके लिए जो वर्ड है वो है एना प्रो डी हम ए हटा देंगे ए हमने हटा करके प्रो डी लगा दिया है तो एना तो हो गया नेगेटिव प्रिफिक्स इस वर्ड में है नेगेटिव प्रो डी जी आंसर्स इन चैप्टर एटीन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार चैप्टर एटीन में जा कर के देखें वहां पर भी आंसर्स के साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया है इस बुक का मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैप्टर को पढ़ करके आप इन एक्सरसाइजेस को जरूर कर लें और उसके साथ साथ पार्ट वन के बाद एक छोटा सा आप लोगों को कॉम्प्रीहसिव टेस्ट पार्ट वन के बाद इस बुक में दिया गया है मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस टेस्ट को भी आप ज़रूर सॉल्व करें सॉल्व करने की कोशिश आप लोग ज़रूर कीजिएगा ओके okay? और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ड्स को भूल गया हूँ तो आप एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिए सॉल्व करने से पहले आप लोगों को रिवाइज़ कैसे करना है आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आप लोग बस एक्सरसाइजेस में जा के रिव्यू ऑफ इटीमोलॉजी में जा के आप इन रूट्स को आप लोग देख लीजिए और जो लास्ट में कैन यू रिकॉल द वर्ड्स ये वाली एक्सरसाइज रूट्स देखने के बाद हर चैप्टर में जा करके एक बार आप लोग रूट्स आप लोग देख लीजिए और उसके बाद कैन यू रिकॉल द वर्ड्स इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दस दस बारह बारह या फिर ज्यादा से ज्यादा ट्वेंटी क्वेश्चंस होंगे आप हर चैप्टर में हर सेशन में जा के इतना कर लीजिए और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज आप लोगों को एक छोटा सा एग्ज़ाम है जो आप लोगों का इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा जिससे कि आप लोगों का ही फ़ायदा होगा एक तो रिविज़न हो जाएगी और ऊपर से कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को बढ़ेगा लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर भी लिखना है और मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप लोगों का स्कोर क्या आया पार्ट वन मुझे बहुत खुशी हो रही है पार्ट वन कंप्लीट करने के बाद और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्ट वन में हमने केवल इतना पढ़ा है कि वर्ड्स को कैसे हम बनाते हैं कैसे प्रीफिक्स में हमने रूट को कंबाइन किया फिर हमने सफिक्स लगाया और उसके बाद हमारा वर्ड बना इन शॉर्ट पार्ट वन केवल एक शुरुआत है जो बुक का असली फ्लेवर है वो आप लोगों को पार्ट टू में देखने को मिलेगा जो असली वोकेबलरी आप लोगों की डेवलप होगी वो पार्ट टू में आप लोगों की डेवलप होगी तो मेक श्योर sure आप को जो मोमेंटम मिल गया है उसको आप लोग कंटिन्यू करें प्लीज़ आप उसको छोड़ें नहीं आप ये ना समझें कि पार्ट वन हमने कर लिया हमने बहुत कर लिया पार्ट टू ही मेन फ्लेवर है इस बुक का ठीक है तो बस आप लोगों को यही बताना था मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ये एक्सरसाइजेस आप लोग जरूर कीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए ये पूरा का पूरा जो ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है उसे भी दूसरों तक आप शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट में अपना फ़ीडबैक देना ना हो भूलें ठीक है आप लोगों को कैसा लगा आपके क्योंकि ये आपका ही चैनल है एंड योर कमेंट इज़ ऑलवेज़ एप्रीशिएटेड तो मिलते हैं पार्ट टू में अगले वीडियो में ठीक है आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया थैंक यू सो मच